आज हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है कोस एक्स। वो तब होगा कि एक्स हमारा रैशनल नंबर हो, जब हमारा एक्स इरेशनल नंबर होगा तो साइन एक्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ इंटरवल दे रखा है 0 से π/4। हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ फंक्शन है वो आर इंटीग्रेबल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो हमारी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटर लोअर बाउंड वो दोनों ग्राफ के लेफ्ट साइड ही एग्जिस्ट करता है। बाकी क्वेश्चनों में ऐसे होते हैं कि जैसे हमारा जो ग्राफ होता है तो उसमें जो लीस्ट अपर बाउंड हाँ वो होता है राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है, मतलब दोनों लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटर लोअर बाउंड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। बट जो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोस एक्स और साइन एक्स होता है, इधर हमारे पास एक रैशनल होता है, ये इरेशनल होता है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ये दोनों बाउंड एक ही साइड एग्जिस्ट करता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले गिवन चीज क्या लिखते हैं, गिवन क्या है एफ ऑफ एक्स कोस एक्स इफ एक्स इज रैशनल नंबर, ओके, साइन एक्स इफ एक्स इज इरेशनल, ओके, किस इंटरवल के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कि x, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले साइन x के लिए ले लेते हैं। साइन x के लिए हम पहले तो ले लेते हैं x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, 0 से π/4, इन दोनों के बीच में ही x लाई कर रहा है, तो ठीक है, हम दोनों साइड एक बार साइन ले लेंगे एक बार कोस ले लेंगे, हमने इसके टर्म में निकाल लिया ना। तो फर्स्ट जब हम सबसे पहले साइन लेंगे, साइन 0 इधर आ गया, साइन x साइन π/4 एंड कोस 0 लेस देन ग्रेटर देन कोस एक्स कोस π/4, ओके, इसमें वैल्यूज निकल देंगे। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, साइन π/4 1/√, ये 1 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0 साइन एक्स 1/√2, कोस के लिए क्या आ गया 1 कोस एक्स 1/√। इस इंटरवल में साइन एक्स छोटा होगा कोस एक्स के लिए सबके लिए, ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना, ये तो सिर्फ साइन एक्स के लिए निकला, ये कोस एक्स के लिए निकला, तो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके क्या हुआ कि 0 से इसमें लोअर बाउंड क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में क्या जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स किससे छोटा होना चाहिए, 1 से, कब, जब एक्स 0 और π/4 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया रिजल्ट कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो एक बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है, ओके, एफ ऑफ एक्स इज अ बाउंडेड ऑन 0 to π/4, ओके। अब हमने बाउंडेड तो शो कर दिया, अब हम इसको हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था इसके हम पार्टीशन कर देंगे। अब हमने पढ़ा था कि पार्टीशन कैसे करते थे, पार्टीशन करने के लिए हमारे पास हम कितने उसमें इंटरवल रखेंगे, अगर हमने एन इंटरवल में करना होता तो हम क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, यहाँ पे बी क्या होता था, ये हमारी ए और बी, जिन दोनों इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन के बीच में हम निकाल रहे, तो हमारे पास एच क्या आ जाएगा, π/4 माइनस 0 एन, ये क्या आ गया, π/4 एन, ये हमारा एच आ गया। तो मतलब जो हमारा पार्टीशन का जो डिफरेंस होएगा, मतलब डेल्टा आई,
डेल्टा आई क्या होता है, ये हमारी लेंथ होती है जो हम पार्टीशंस के बीच में, मतलब जो हमारे पास दो टर्म्स होती है पार्टीशंस की, उनके बीच को जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा आई बोलते हैं, लेंथ ऑफ। ठीक है, ये क्या बन गया, 4 बाय पाई n i। यहाँ पे i क्या होगा, 1, 2, 3 n टर्म तक। ठीक है, हमारे पास ये डेल्टा आई आ गया। ठीक है, अब हम इसके पार्टीशंस करेंगे। ठीक है, ओके। तो लेट p इज इक्वल टू, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग ये होते हैं a, और एंड कहाँ पे करते हैं, जो b होता है, b के यहाँ पे पाई बाय 4। तो 0 पे स्टार्ट किया, 0, 0 किसके इक्वल होएगा, एक्स जीरो। एक्स वन क्या होगा हमारे पास, एक्स जीरो प्लस h। यहाँ पे मैं साइड में करके बता देती हूँ, जो एक्स जीरो होता है, जो एक्स वन होता है वो क्या होता है, एक्स जीरो प्लस h। जो एक्स टू होता है वो होता है एक्स जीरो प्लस 2h। बस ये h इंक्रीज करते रहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशंस क्या बन गए, एक्स वन एक्स टू, ये कहाँ तक चलेगा, एक्स एन तक चलेगा। जो हमारे पास एक्स एन होगा ये क्या होगा, पाई बाय 4। ओके, बी ए पार्टीशन, किस इंटरवल में, 0 to π/4। इंटू हमने कितने पार्ट्स में किया इसको, एन इक्वल पार्ट्स में। ओके, एन इक्वल्स पार्ट्स में किया हमने इसको। ठीक है, हमारे पास, हमने मैंने बताया आपको, ये हमारे पास एक्स वन एक्स टू, ये चलेगा कहाँ तक, हमारे इसमें एक्स आई क्या आएगा, 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा π/4 n i। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हमारे पास एक्स आई होगा वो क्या होगा, π/4 n i। ठीक है, जो आई होएगा वो क्या होगा, 1, 2, 3 n टर्म तक। तो यहाँ से हमारे पास एक्स आई निकल गया। ठीक है, ऊपर हमने ये डेल्टा आई निकाल दिया था, ये क्या था, लेंथ था दो पार्टीशंस के बीच में, मतलब एक्स आई माइनस एक्स जीरो करेंगे तो डेल्टा आई आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो डेल्टा आई आएगा। अगर हम ऐसे ही एक्स आईटा माइनस वन एक्स आई करेंगे वो क्या आएगा, डेल्टा आई। मतलब किसी भी दो कंटिन्यूस, मतलब का डिफरेंस निकालेंगे, वो जो उसकी लेंथ होती है मतलब डिफरेंस, उसको हम डेल्टा आई बोलते हैं, वो हमारे पास ये है। तो हमने ये निकाल दिया, ये अब हम ऐसे ले लेते हैं किसी सब इंटरवल के लिए। ठीक है, फॉर एनी सब इंटरवल, इंटरवल हम क्या लेते ले लेते हैं, एक्स आईटा माइनस वन एक्स आई। अब ये कुछ भी हो सकती है, अगर ये 10 टर्म हुई, ये तो अगर ये 10th हुई तो 11th होगी, क्योंकि ये एक पीछे वाली है एक आगे वाली है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पाई बाय 4 n i। ओके, तो ये होगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस टर्म का ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम आई, और जो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको बोलते हैं स्मॉल एम आई। ठीक है, हम ये निकालेंगे अब दोनों, ये दोनों निकालने हैं। इन दोनों निकालने के लिए हम लिखते हैं, ये क्या होता है, आपने पढ़ी होंगे पीछे फॉर्मूले बाकी क्वेश्चंस में, ये सेकंड एक्सरसाइज है, टू बी के एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, एम आई क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमने, कि जैसे कि हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसका, इस फंक्शन में ये देखो, इधर सबसे कम है ना, इधर ज़्यादा वाला है, इधर लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। तो हमने यही निकालना है फंक्शन का, कि फंक्शन का लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या निकालना है। ठीक है, हमारे पास अब हम निकालते हैं, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, किस इंटरवल के बीच में निकाल रहे हैं हम, एक्स आईटा माइनस वन, ये हमारा छोटा होगा एक्स, एक्स हमारे इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और हमें पता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है
हमने यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये निकाला था ना, हमने ये एक्स आई निकाला था, तो एक्स आई निकाला तो हम यहाँ पे एक्स आई तो यहाँ आ जाएगा। जब हम यहाँ पे आई माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बाय फोर एन आइटम माइनस वन बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे हमने आई के लिए निकाला तो आइटम एक्स आई माइनस वन के लिए ये बन जाएगा एक्स लेस देन पाई बाय फोर एन आइटम। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा शायद कि हमारे पास ये वाली टर्म का ये कैसे आया, ये कैसे आया। मैंने इधर बताया कि हमने ये कैसे निकालना है, एक्स आई का निकाला, सिमिलरली हम एक्स आई माइनस वन का निकालेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें पता है हमारे पास ये आ गया। अब हम फंक्शन देखेंगे कि जो हमारा जो फंक्शन ये वाला है एम आई के लिए, इसके लिए हाँ साइन एक्स में देखेंगे हम, हमने लोअर निकालना है लोअर। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, इसमें लोअर बैंड लोअर बाउंड किधर है, इधर है। ठीक है, जीरो साइड जीरो, तो जीरो देखेंगे हम, ऊपर जाएंगे कॉस साइन में, जीरो किधर है साइन साइड, तो हम साइन एक्स फंक्शन आएगा। तो साइन एक्स फंक्शन में जो हमारा लोअर बाउंड किस साइड है, लेफ्ट साइड है ना, जीरो ये ग्रेटर है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करे, क्योंकि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो देखो आप ग्राफ से ही पता लग रहा है कि वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने साइन फंक्शन लेना है, क्योंकि जो हमारा जीरो था, ये जीरो था वो साइन फंक्शन में था, कोस में तो जीरो नहीं है ना, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स का लोअर बाउंड निकालना है, तो साइन एक्स लेंगे हम इस फंक्शन में। ठीक है, इसलिए हमने कोस नहीं लिया, तो साइन एक्स लेंगे। और साइन एक्स में हम एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली या ये वाली। अब मैंने आपको ग्राफ में बताया कि ग्राफ में वो लेफ्ट साइड करता है, तो इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या आएगी, इधर साइन के अंदर पाई बाय फोर एन आई माइनस वन। ओके, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एम आई, स्मॉल एम आई। ठीक है, अब हमने निकालना है कैपिटल एम आई, लीस्ट अपर बाउंड किसके, ये भी एफ ओफ एक्स का, किसमें एक्स आई माइनस वन लेस देन एक्स आई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गई है, हाँ तो इसमें भी हम सेम ही चीज है, जैसे ऊपर निकाला तो इधर भी यही आएगा, पाई बाय फोर एन आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, अब हम जाते हैं पहले, अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जाएंगे हम। अब हमने यहाँ पे निकालना है अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड हमने पहले निकाला था लोअर बाउंड, अब निकालना है अपर बाउंड। अपर बाउंड जहाँ पे हमारे पास, अपर बाउंड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसकी जहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में क्या था, ये था हमारे पास कि हम इन दोनों के बीच में बाउंड है हमारा फंक्शन जीरो टू वन, तो जीरो में तो हमारे पास आई लोअर वैल्यू, अब ग्रेटर वैल्यू किधर आएगी, वन, तो वन किस में एग्जिस्ट करता है, कोस एक्स में। और जो कोस एक्स का फंक्शन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं हम, जो कोस एक्स का ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है ना। अब देखो कोस एक्स में इधर ग्रेटर वैल्यू होती है, इधर लोअर होती है, ग्रेटर किस साइड है, लोअर साइड है ना, लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड इसमें लो वैल्यू है। तो देखो कोस एक्स में भी हम लेफ्ट साइड वाली ही वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने इधर, अब यहाँ पे हम कोस फंक्शन लेंगे, इसमें भी जो हमारे पास अपर अपर वैल्यू है वो भी लेफ्ट साइड ही एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए अब आप शुरू में अगर हम ऐसे सीधा सॉल्यूशन देखते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने, जब हमने लोअर बाउंड निकाला है, ग्रेटर अपर बाउंड निकाला, दोनों में हमने एक्स की लेफ्ट वाली ही वैल्यू पुट करी है। वो ये कंसेप्ट सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स में दोनों वैल्यू यूज हो रही है, कोस या साइन एक्स। अगर हमारे पास, हम कोई और क्वेश्चन देखे बुक का जिसमें हो, तो उनमें होता है कि हमारे पास एक लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है, एक राइट साइड। अगर हम सिंपल कोस एक्स का देखते हैं, कोस एक्स में, तो उसमें ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे कर रही है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड लोअर वैल्यू। और साइन एक्स में हमारे पास, सॉरी साइन एक्स का फंक्शन ये होता है ना, साइन एक्स, इसमें लेफ्ट साइड हमारे पास
लोअर वैल्यू हो रही है और राइट साइड हमारे पास अपर वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल गया और हमें डेल्टा आई हमने पीछे निकाला था, हमारे पास लेंथ कितनी आई थी पाई बाय 4n i, ठीक है। ये हमारे निकाला था, हमने निकाला था, ठीक है। स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई डेल्टा आई निकल गया। अब हम निकालेंगे LPF, लोअर अप लोअर लोअर रीमन, हाँ ठीक है। हम सम निकालेंगे लोअर रीमन सम का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 n तक चलेगा स्मॉल i डेल्टा i, ओके। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एम आई की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, ये। तो एम आई की वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन i इक्वल टू 1 n तक चलेगी साइन पाई बाय 4n i-1, ठीक है। अब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई डेल्टा आई, डेल्टा आई क्या है पाई बाय 4n, ठीक है आई, ये आ गया। तो हम इधर से, हाँ इधर से हम निकालेंगे, हाँ अब हम इधर का समेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर से हम पाई बाय 4n कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय 4n कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 n साइन पाई बाय 4n i-1, ठीक है। अब हम समेशन खोल देंगे, i की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, हमारे पास बनेंगे सबसे पहले जब हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1-1 0 बन जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो साइन 0 प्लस, जब हम i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन पाई बाय 4n, जब 3 पुट करेंगे तो साइन 2π/4n। ये टर्म कहाँ तक चलेगी, n-1 तक, ठीक है। कहाँ तक चलेगी, n-1 तक। ये बहुत जरूरी है, ये बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। यहाँ चलेगी n-1π/2n तक चलेगी ये, ठीक है, यहाँ तक चलेगी। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फॉर्मूला, वैसे बच्चों को याद नहीं होता, मैं लिख देती हूँ क्या होता है। साइन अल्फा प्लस साइन सीरीज सीरीज होती है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये कहाँ तक चलती है, ये टर्म चलती है कहाँ तक चलती है, ये एन टर्म तक चलती है, ठीक है, 2n टर्म्स, एन टर्म तक चलती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, साइन एन बीटा बाय 2 sin α + n-1 β/2 होल में डिवाइड में साइन बीटा बाय 2, ठीक है, ये होता है। ये देखो इधर ध्यान से देखना है, इधर ये n टर्म तक चल रही है तो फर्स्ट साइन के साथ n आएगा और आगे आएगा n-1 आएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को इधर यूज करेंगे। ये देखो इधर भी यही बन रहा है ना, 0 को, ये देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम अल्फा ले लेते हैं पाई बाय 4, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फा क्या है पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस कर रहे हैं तो 2π/4, मतलब बीटा भी हमारे पास पाई बाय 4n है, अल्फा भी पाई बाय 4n है, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारे पास कॉमन में चला था पाई बाय 4n, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, साइन एन बीटा बाय 2, साइन एन बीटा क्या है हमारे पास, हमारे पास बीटा क्या है पाई बाय 4n, ठीक है, पाई बाय 4n है, ठीक है। इसको डिवाइड में करना है हमने 2, तो मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में साइन अल्फा क्या है पाई बाय 4n प्लस n-1, सॉरी देखो मेरे से भी मिस्टेक होगी ना, ये एन टर्म तक चल रही थी तो यहाँ पे एन आया, बट हमारे ऊपर क्वेश्चन में n-1 तक चल रही है तो इधर एन की जगह n-1 आएगा, ओके, इधर n-1 आएगा और इधर क्या आएगा n-2, बीटा क्या था पाई बाय 4n डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2, तो ये क्या हो गया 8n हो गया,
होल में डिवाइड में क्या आएगा, साइन बीटा बाय टू पाई बाय ए टेन। ओके अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे बन गया था, इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे तो सिंपली है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। हम इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे को इसके नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाता है, टू मल्टीप्लाई में साइन एन माइनस वन पाई बाय ए टेन मल्टीप्लाई में साइन पाई बाय फोर एन प्लस एन माइनस टू पाई बाय ए टेन। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया, साइन पाई बाय ए टेन, इस पूरे के नीचे पाई बाय ए टेन। ये मैंने पता है क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम आगे इसमें लिमिट पुट करेंगे तो उसमें सॉल्व करने के लिए इजी होएगा। ठीक है, हमने ये निकाल दिया। हाँ, तो हमने इस क्वेश्चन में ये सॉल्व कर दिया, तो हमने अब रीमन निकालना है लेफ्ट साइड वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ए बार बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 यहाँ पे एल पी एफ। ये हमारे पास यही है ना, ये वाली वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, इसमें लिमिट पुट करनी है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये टू मल्टीप्लाई में साइन, इसको लिख लेंगे हम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको एन को दोनों के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन बाय एट माइनस वन बाय ए टेन ऊपर पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको हम ओपन करेंगे तो पाई, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेके क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा टू पाई प्लस में टू एन माइनस टू पाई डिवाइड बाई ए एन। ठीक है, ये बना ना, ये कैसे बना, एलसीएम लेंगे तो इधर टू से मल्टीप्लाई, टू पाई ब्रैकेट खोली तो एन पाई सॉरी, हाँ एन पाई माइनस टू पाई, टू पाई टू पाई कैंसिल, ये क्या बचा है पाई बाय एन पाई मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाई ए टेन, एन से एन कैंसिल, क्या बचा पाई बाय एट। तुम्हारे पास क्या बचा इधर, साइन पाई बाय एट डिवाइड में क्या है हमारे पास, साइन पाई बाय ए टेन पाई बाय ए टेन। और हमें पता है कि ये वन होता है, हमने ये तो ट्वेल्थ में पढ़ा था, आपको पता ही होगा इसकी, जब हम इसमें एन की वैल्यू पुट करते हैं ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट एन अप्लस टू इन्फिनिटी साइन एन बाय एन, ये वन होता है। ठीक है, ये वन हो गया, इसमें हमने एन की वैल्यू पुट करी तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा टू मल्टीप्लाई में साइन पाई बाय एट साइन पाई बाय एट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, आगे बन जाएगा टू साइन स्क्वायर पाई बाय एट इज इक्वल टू वन माइनस कोस पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट टू, ये आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू अब हमने सिमिलरली निकालना है उसके लिए अपर बाउंड के लिए। ठीक है, ये तो हमने लोअर के लिए निकाला, तो अपर के लिए क्या, अपर के लिए भी सेम चीज़ यूज़ करेंगे जैसे लोअर के लिए किया था हमने। इसमें हमारे पास समेशन आई की वैल्यू वन से चलेगी एन तक कैपिटल एम आई डेल्टा आई। ठीक है, हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू आई थी कोस पाई बाय फोर एन आई माइनस वन और डेल्टा आई हमारे पास सी है, तो इसको हम पुट करेंगे इधर। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस पाई बाय फोर एन आई माइनस वन, समेशन भी लगेगा इधर। ठीक है, एन और होल के साथ मल्टीप्लाई पाई बाय फोर एन, इसमें भी पाई बाय फोर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर इस सीरीज को खोल देंगे, क्या बन जाएगा कोस जीरो प्लस कोस पाई बाय फोर एन कोस टू पाई बाय फोर एन, ये कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी
एन माइनस वन तक, ठीक है, ये चली कोस एन माइनस वन पाई फोर एन, ठीक है। तो जैसे साइन का फॉर्मूला होता है मैंने बताया था, कोस का भी होता है। कोस का क्या होता है, कोस का होता है अगर हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा, ऐसी कोस अल्फा प्लस टू बीटा, टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक, ठीक है, होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन एन बीटा बाय टू मल्टीप्लाई में कोस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू डिवाइड में साइन बीटा बाय टू। बस हम इसका इधर यूज़ करेंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस पाई बाय फोर एन साइन पाई बाय एट कोस एन माइनस वन डिवाइड बाय एन पाई बाय एट डिवाइड में साइन पाई बाय एट एन। हम इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ये हमारे पास जाएगा पाई बाय फोर एन एट एन, इसको भी इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा टू साइन पाई बाय एट कोस एन माइनस वन डिवाइड बाय एन पाई बाय एट डिवाइड में साइन पाई बाय एट एन डिवाइड में, सॉरी साइन नहीं ओनली पाई बाय एट एन है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ठीक है, ये वैल्यू। अब हमने अपर रीमन इंटीग्रल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए से बी बार होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है लिमिट पी एफ ज़ीरो यू पी एफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने जस्ट अभी निकाली, हमने क्या निकाली थी, ये वैल्यू निकाली हमने, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू साइन पाई बाय एट कोस एन माइनस वन बाय एन पाई बाय एट डिवाइड में साइन पाई बाय एट एन डिवाइड में एट एन, ये वन हो जाएगा, ये वन हो गया। इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो एन से एन वन बचाएगा, वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, टू मल्टीप्लाई में साइन पाई बाय एट कोस पाई बाय एट, ये वन बन गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास साइन पाई बाय फोर, ये क्या होता है वन बाय अंडर रूट टू। तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट आया, ये हमारे पास आया ना कि ज़ीरो से पाई बाय फोर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या आया वन बाय रूट टू, और हमारे पास लोअर बाउंड क्या आया था जो ज़ीरो से पाई बाय फोर चला था हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो आया था हमारे पास क्या आया था ये आया था वन माइनस वन बाय अंडर रूट टू, ये आया हमारे पास वन माइनस वन बाय अंडर रूट टू। अब हमारे पास देखो ये क्या आ रहा है, लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ रहा है कि जो लोअर बाउंड है एफ ऑफ डी एक्स नॉट इक्वल टू अपर बाउंड, मतलब जो हमारे पास एफ फंक्शन है इज अ नॉट रीमन इंटीग्रल, हैंस प्रूव्ड, यही तो हमने प्रूव करना था। बस आप एक दो बार इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, इजी क्वेश्चन है, बट ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में 99% आता ही आता है, क्योंकि पूरी बुक में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जिसमें हमारी जो दोनों अपर लोअर है वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है, और इसमें बच्चे बहुत जगह मिस्टेक्स करते हैं तो टीचर इसको एग्जाम में डालते हैं। अगर आपको कहीं पे ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई करूँगी।
अगर ना फिर अगर आपको कमेंट नहीं करनी है तो आप एक बार पीछे जाके वीडियो को दोबारा देखना, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, ग्रेजुएशंस के, जैसे मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस के, फिजिक्स के, BCA के भी डाले हैं मैंने। अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में HCP का पेपर होता है, उसका भी इसमें क्वेश्चन पेपर डाला है, वो मिलता नहीं है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।